हम चैप्टर वन इंट्रोडक्शन के अंदर मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। लास्ट लेक्चर में जो कि हमारे चैप्टर का पहला लेक्चर था, उसमें हमने स्टडी किया कि बायोलॉजी क्या है। उसके अंदर फिर मज़ीद हमने स्टडी की डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। आज का लेक्चर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बाद हमने कुछ फील्ड्स का जिक्र किया था बायोलॉजी के अंदर, कि बायोलॉजी के अंदर हम मज़ीद किन किन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं डिटेल के अंदर। तो वो जो फील्ड्स हैं वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे कि वो फील्ड्स क्या क्या हैं और फिर उनके अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। तो एक हम अपना वर्क फ्लो बना लेते हैं कि सबसे पहले हम स्टडी क्या क्या करेंगे। हम डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी करेंगे आज बायोलॉजी के अंदर, कि वो फील्ड्स क्या क्या हैं, फिर हम उन फील्ड्स की डिटेल्स को देखेंगे कि उन फील्ड्स को मज़ीद हम डिटेल में किस तरह से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ है फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अब फील्ड ऑफ बायोलॉजी में कौन कौन से फील्ड आ जाती हैं जिनको हम मज़ीद स्टडी करते हैं। पहली है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसके बाद इसके अलावा एक और जो हम पाएंगे वो है माइक्रोबायोलॉजी। इन फील्ड्स को हम अभी डिटेल में देखते हैं कि हम इनके अंदर स्टडी क्या क्या करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है मेरीन बायोलॉजी। और हम स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट जो फील्ड है हमारे पास पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में क्या होता है हम अभी डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास है ह्यूमन बायोलॉजी। इसके बाद हमारे पास है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी के अलावा हमारे पास आ जाता है बायो टेक्नोलॉजी। ये कुछ फील्ड हैं जिनको अभी हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर। हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलके बने हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज हम कहते हैं जितनी भी चीज़ें सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनेली में हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है, ऑर्गेनेली में हमारे पास वैक्यूल आ जाता है, ऑर्गेनेली में हमारे पास बाकी चीज़ें आ जाती हैं जैसे राइबोसोम्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं। इस तरह मज़ीद सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। तो इन सब चीज़ों को, यानी हम सेल्स को और सेल ऑर्गेनेलीज को, जब मॉलिक्यूलर लेवल पे जब स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने का ये मतलब है कि हम ये पढ़ते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की एग्जांपल ले लेते हैं, तो न्यूक्लियस किससे मिलके बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसकी कंपोजिशन में दो केमिकल कंपोजिशन भी आ जाती है और फिजिकल कंपोजिशन भी आ जाती है कि इसकी शेप वगैरह कैसी है। तो इन चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं वो आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
इसके बाद जो सेकेंड ब्रांच है हमारे पास वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी का जो स्कोप है, इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो हम एनवायरमेंट को स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजी, अब देखिए एनवायरमेंट के अंदर तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर तो लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं एनवायरमेंट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एनवायरमेंट हमारे पास, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाए हो गए, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो लिविंग आ जाते हैं। और नॉन लिविंग के अंदर हमारे पास एयर आ जाती है और हमारे पास वाटर आ जाता है, सॉयल आ जाती है, इस तरह की चीज़ें जितनी भी आती हैं हम उनको कहते हैं यह नॉन लिविंग। अब एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, हम ये स्टडी करते हैं, स्टडी हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही करना है, लेकिन हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, वो किस तरह से नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस की, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो वाटर के साथ कंबाइन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमारे पास ग्लूकोज बनती है और उसके साथ ऑक्सीजन बनती है। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, लेकिन ये फूड बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं। और ये फूड जो है वो यूज़ कौन करता है, ये फूड जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं और वही प्लांट्स ग्रो करते हैं, यानी ये प्लांट्स डिपेंड कर रहे हैं इस ग्लूकोज के ऊपर। इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये एक, ये ऑक्सीजन जो एनिमल्स हैं, बेसिकली ये एरो यहाँ नहीं यहाँ बनेगा, एनिमल्स ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, तो वो हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है माइक्रो, माइक्रो का मतलब है वेरी स्मॉल। माइक्रो बेसिकली हमारे पास एक न्यूटेशन होती है जो कि 10^-6, यानी ऐसी चीज़ें जिनका साइज 10^-6 मीटर्स हो उसको हम माइक्रो कहते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी इतनी छोटी चीज़ों को जो हम स्टडी करेंगे उसे हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। इनके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया को, हम स्टडी करते हैं फंजाई को, हम स्टडी करते हैं वायरसेस को, और उन तमाम चीज़ों को जो के माइक्रो साइज के, यानी कि आप इनको, हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि वो चीज़ें जिनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, हम अपने नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं और नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं माइक्रो बायोलॉजी के अंदर। यानी वो सब छोटी छोटी चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं, या खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे स्मॉल साइज के हो, 10^-6 जैसे मैंने बताया, या वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकें, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं हम माइक्रो बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड ऑफ बायोलॉजी है वो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर बेसिकली हम देखते हैं
उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर क्या चीज़ है? फ्रेश वाटर हम कहते हैं ऐसा पानी जो कि रिवर्स का, दरियाओं का या फिर लेक्स का, झीलों का पानी हो, ऐसा पानी फ्रेश वाटर कहलाता है। तो इन फ्रेश वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं वो आ जाता है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी, यानी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं फ्रॉग को। इसी तरह हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह कुछ फिश होती हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं। इसी तरह मज़ीद बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं उन सबको हम जब स्टडी करते हैं हम कहते हैं हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी को पढ़े हैं। ये एक फील्ड है हमारे पास बायोलॉजी की। इसी के साथ हमारे पास आ जाती है मेरीन बायोलॉजी जो कि हमारी नेक्स्ट फील्ड है। जैसे हमने पीछे पढ़ा फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं हम उनको पढ़ते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि मरीन होते हैं, मरीन कहते हैं हम सी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म या ओशंस में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि समंदर में होंगे या बड़े समंदरों में ओशंस में पाए जाएंगे उन सब ऑर्गेनिज्म को जब हम स्टडी करेंगे तो वो होंगे, उसे हम कहेंगे मरीन बायोलॉजी। उसके अंदर हम स्टडी क्या करते हैं? स्टडी हम बेसिकली लाइफ को ही करते हैं, लाइफ के प्रोसेसेस को, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को, उनके स्ट्रक्चर को, इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं जो कि मरीन है, जो कि सीज और ओशंस के अंदर पाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मरीन बायोलॉजी, लाइफ इन ओशंस एंड सीज। उसके अंदर हमने कहा कि हम उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, हम उनके फंक्शंस को देखते हैं और हम बाकी लाइफ प्रोसेसेस को देखते हैं कि वो किस तरह से हो रहे हैं, यानी ओवरऑल हम पूरे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, तो वो आ जाते हैं मरीन बायोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी का जो वर्ड है वो दो वर्ड से निकला है, एक है पैरासाइट, इतना पार्ट जो है पैरासाइट, और लॉजी जैसे हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं हम, इसका मतलब है लोगोस से वर्ड निकला है, और लोगोस पैरासाइट जो है अभी हम डिटेल में देखते हैं। लोगोस का मतलब होता है थॉट या फिर स्टडी। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और अपनी फूड, अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। यानी कि पैरासाइट की डेफिनेशन हम देखते हैं, ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, ऑर्गेनिज्म और अपना खाना, अपनी खुराक भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। अब ये जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं अदर ऑर्गेनिज्म, उस ये जो अदर ऑर्गेनिज्म है इसको बेसिकली हम होस्ट कहते हैं। होस्ट यानी कि हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक हमारे पास आ गया पैरासाइट, एक हमारे पास आ गया होस्ट। यानी कि आप इसको ऐसे देखें, हमारे पास एक होस्ट है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है और इसके ऊपर कोई ये होस्ट है, कोई भी पैरासाइट आके इसके ऊपर रहने लग जाता है, फॉर एग्जांपल कोई फंजाए है जो कि पैरासाइट है,
और ये फंजाए इसके ऊपर आके, जैसे ये इसके ऊपर आके इसके ऊपर रहने लग गई है प्लांट की बॉडी के ऊपर, और अपनी जो फूड है वो भी प्लांट से ही लेगी। तो इस केस में हम फंजाई को कहेंगे पैरासाइट और इस प्लांट को कहेंगे होस्ट। पैरासिटोलॉजी जो हमारी ब्रांच है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को, और हम स्टडी करते हैं डिफरेंट होस्ट्स को, और पैरासाइट का होस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप्स आते हैं। डिटेल में हम इसको नेक्स्ट अपने टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन जो पैरासाइट अपने होस्ट के ऊपर रह रहा है, अपनी फूड उससे ले रहा है और अपने रहने के लिए उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अपने सर्वाइवल के लिए, और पैरासाइट जाहिर है उसके उससे फूड लेगा, उसके ऊपर रहेगा तो उसके लिए हार्मफुल भी होगा। तो इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं कि वो कितना हार्मफुल है, कितना नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी प्रेजेंस से होस्ट की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को हम पैरासिटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की, उससे हम कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी क्या है? ह्यूमन बायोलॉजी के तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत आसान फील्ड है, जिसमें हम आसान तो नहीं है, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स को स्टडी करेंगे। ह्यूमन बींग्स के अंदर यानी हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर जो है वो फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि उनके वो बने हुए किस तरह से हैं, उनकी हाइट कैसी है, उनकी बनावट कैसी है। केमिकल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि किन किन केमिकल से लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे बोन्स हैं, ब्लड है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, तो उनके अंदर क्या क्या केमिकल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करते हैं, उनके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, जैसे हर ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अपने अपने काम हैं, अपने अपने फंक्शन हैं, उन सबको जब हम स्टडी करते हैं तो वो फंक्शंस के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं लिविंग और ह्यूमन बींग्स की एवोल्यूशन कैसे हुई, किस तरह से इवॉल्व हुए, पहले कैसे थे, पहले जो ऑर्गेनिजम्स होते थे, जो ह्यूमन बींग्स थे वो किस किस्म के थे, अब के ह्यूमन बींग्स किस किस्म के हैं, उनके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एवोल्यूशन के अंदर हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम जेनेटिक्स को देखते हैं, जेनेटिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है जेनेटिक्स, इसके अंदर हम जीन्स को स्टडी करते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर, डिटेल में कि जीन्स होती क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है, अपने पिछले लेक्चर में हमने इसको देखा था। आगे वाले लेक्चर में हम मजीद जेनेटिक्स के ऊपर डिटेल एक पूरा लेक्चर देंगे, वो हम देखेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की, उसे हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे? सोशल बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ऑब्वियसली वो सब इकट्ठे रह रहे हैं, वो एक कम्युनिटी बना रहे हैं, तो इस कम्युनिटी के अंदर उनका सोशल बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम सोशल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। यानी कि बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनल लाइफ को स्टडी कर रहे हैं। कम्युनल लाइफ, कम्युनिटी, कम्युनल का जो वर्ड है वो कम्युनिटी से निकला है। बेसिकली हम इसके अंदर देखते ही हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक कम्युनिटी के अंदर किस तरह से रहते हैं और अपने बाकी कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर कैसा है अपने रिलेशंस के साथ। रिलेशंस में उनके फैमिली रिलेशंस आ जाते हैं, उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और कम्युनिटी के बाकी लोग जिनके उनके साथ डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप हैं,
तो ह्यूमन बीइंग्स अपने रिलेशन के साथ, फॉर एग्जांपल एक फैमिली के साथ, एक ह्यूमन बीइंग है, एक बंदा है, वो अपनी फैमिली के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, उसका अपनी फैमिली के साथ बिहेवियर क्या है, वो अपनी फैमिली पे किस तरह डिपेंड कर रहा है, उसकी फैमिली उसके ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ वो बंदा कैसा एटीट्यूड रखता है, उसका कैसा बिहेवियर है, हम इसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं और हम इसमें बिहेवियर्स को भी स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर्स कैसे हैं, वो किस तरह से दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो बातचीत कैसे करते हैं, वो रहते कैसे हैं दूसरों के साथ। तो इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, ये हो जाता है हमारे पास सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच बायोलॉजी की, जिसे हम कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी। बायो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है, आजकल बहुत काम हो रहा है बायो टेक्नोलॉजी के ऊपर। बायो टेक्नोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे? हम बायो टेक्नोलॉजी में ये देखते हैं कि हम किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकते हैं, इसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनके बेनिफिट को हम देखते हैं, फायदे को देखते हैं कि नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिंदगियों पे क्या फ़ायदा है, किस तरह से उनके फ़ायदे के लिए हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, नए से नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, नई से नई चीज़ें बना सकते हैं जो कि फ़ायदा देंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल से हमें सही पता चलेगा कि हम बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली पढ़ते क्या है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं इंसुलिन की। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक ऐसा केमिकल है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, अपने जो डायबिटीज़, इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, वो नॉर्मल शुगर लेवल जो हमारे बॉडी के अंदर होता है वो उसको कम करता है। तो अब ये केमिकल आता कहाँ से? इंसुलिन को जो हम प्रोड्यूस कराते हैं वो हम एक बैक्टीरिया से लेके आते हैं, बैक्टीरिया। यानी कि हमने क्या किया, हमने डायबिटीज़ पेशेंट्स को इंसुलिन दी। इंसुलिन कहाँ से आई? इंसुलिन आई बैक्टीरिया से। अब हमने क्या किया, हमने बैक्टीरिया को यूज़ किया डायबिटीज़ पेशेंट्स के फ़ायदे के लिए। तो ये हमने बायो टेक्नोलॉजी को हमने पढ़ा, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे के लिए हमने एक नॉन लिविंग कंपोनेंट को, इंसुलिन को यूज़ किया। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस कराते हैं, डिफरेंट फूड हो जाती हैं, डिफरेंट केमिकल्स आ जाते हैं, डिफरेंट मेडिसिन आ जाती हैं, इन और उन सब मेडिसिन को हम लोग किसी भी सोर्स से हासिल कर सकते हैं, और उन सब चीज़ों को जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए यूज़ करें, बेनिफिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम कहते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। तो ये कुछ फील्ड्स थी बायोलॉजी की जो आज हमने स्टडी की है। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कितने लेवल्स पे स्टडी कर सकते हैं।